हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू इन्फोटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जियो 5-4 को रिसेट करके दिखाऊंगा और इसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसे रिसेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर ये हमें रेड, ब्लू और ग्रीन करके कुछ इस तरह की लाइट दिखाता है, यानी इसके सॉफ्टवेयर उड़े हुए हैं, ये ऐसे ऑफ हो जाता है। उसके बाद मैं आपको अब दिखा देता हूँ यहाँ पर हमें कैसे इसे रिसेट करना है और इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पर आइए, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहाँ से मैं QRL कॉपी कर लेता हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम में हम ये लिंक ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम ओपन हो गया है। क्रोम ओपन होने के बाद मैं ये लिंक यहाँ पर Ctrl V करके, ये देखिए, या फिर पेस्ट करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सेम ऐसे ही शो होगा जैसे यहाँ पर शो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही ये दिखाई दे आपको देगा, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा आपको जैसे यहाँ पर शो रहा है, और अपने आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे Jio 5 4 RAR फाइल हमारे पास एक डाउनलोड होने लग रही है। यहाँ पर इस RAR फाइल के डाउनलोड होने का हमें वेट करना है। यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई क्लिक नहीं करना है। अगर आपके सिस्टम में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होने लग रही है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइल है वो लगभग डाउनलोड हो ही गई है, बस सिर्फ हमारे सिस्टम में आने बाकी है। आप इतने वेट कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं, इसमें टाइम भी लग सकता है। ये देखिए, डाउनलोड हो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम इसे टैब को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम अपना यूजर ओपन करते हैं और डाउनलोड ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे Jio 5 4 के नाम से ये फाइल हमारे पास आ जाएगी, या फिर किसी और नाम से भी आपके पास आ सकती है, जिस नाम से भी वहाँ पर अपलोड होगी जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, जो Jio 5 4 के नाम से मैंने क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं मैंने Jio 5 4 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है, और इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा अभी। पहले इसे ठीक से रिनेम कर देता हूँ, ये ठीक से रिनेम नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं इसे Jio 5 4 के नाम से रिनेम कर रहा हूँ। आप किसी भी नाम से इसे रिनेम कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको Jio 5 4 के नाम से ही इसे रिनेम करना है। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने फाइल, एक बार फाइल थी, उस फाइल को मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया इस फोल्डर में। आपको ऐसा नहीं करना है, ये फाइल सिर्फ पासवर्ड के लिए है। तो यहाँ पर मैंने जो Jio 5 4 की फाइल को वहाँ से लिया था, तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप भी किसी भी तरह से, जिस तरह इसको आपको, जिस तरह आपको सहूलियत हो, उस तरह से आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पासवर्ड शो होगा। यहाँ पर ये आपको फाइल पासवर्ड मांगेगी। तो आपको क्या करना है, ये रीडमी जो आपको फाइल के साथ मिलेगा, यहाँ से आपको ये पासवर्ड जो है, ये पूरा पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड सिर्फ आगे आगे का। ये देखिए, मैंने यहाँ से Ctrl C कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पासवर्ड ओपन होने के बाद हमारा पासवर्ड यहाँ पर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देगा। ये देखिए, फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दी। उसके बाद आपके सामने ये दो फाइल आएंगी, एक ड्राइव और एक टूल। तो यहाँ पर ड्राइवर और टूल यहाँ पर, यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये टूल है, टूल भी यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ से इंस्टॉल ना करें, पहले इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लें। ये देखिए, मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये फाइल मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली, और ये फाइल भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये फाइल आपके सामने आ गई है। तो चलिए वापस, यहाँ पर रखने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने रख दिया है और हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये आपको जो सॉफ्टवेयर इसका दिखाई देगा, ये इसमें ड्राइवर है और टूल है। तो ये आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ यहाँ से आप पर मैं इसे इसे से डाउनलोड कर एक लूंगा। बार आपको ये बूट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसे बूट कर दिया, यानी ये दोनों बटन से बूट होगा, WPS बटन और पावर बटन से। और ये मैंने इसमें केबल लगा दी है, यानी अब हमारी जो
जियो फाई 4 है वो बूट हो गई है, और आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लें इंटरनेट से। और उसके बाद सबसे पहले आप ड्राइवर को, यहाँ पर मैं इसे एक्सट्रैक्ट टू ड्राइवर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं टूल भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, यानी इसे मैं जिप फाइल से खोल लूँगा। आपको विनरार भी मिल जाएगा और ये दोनों ड्राइवर भी। तो मैं यहाँ पर ये सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपनी जियो फाई को प्लग इन रखनी है, जिससे अगर कोई ड्राइवर हो तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए। मैंने पहले ही किया हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको एक ही दिखाएगा इंस्टॉल। तो यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं करता हूँ टूल इंस्टॉल। तो आपका टूल इंस्टॉल करने से पहले कंप्यूटर डिटेक्ट होना चाहिए इंटरनेट से, और यहाँ पर मैं ये टूल जो है इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर टूल इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर आपको यस करना है, और यहाँ पर ये देखिए टूल इंस्टॉल हो रहा है, फर्मवेयर अपग्रेड की प्रोसेस चालू हो गई है। आपको नया इंटरनेट कनेक्ट रखना है, मैंने अभी आपको दिखाया इंटरनेट कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, यानी हमारी जो जियो फाई है वो सर्वर से जुड़ने के बाद डाउनलोड कर रही है अपने सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपकी जियो फाई अपने आप ही रिस्टार्ट हो जाएगी, और फिर ऑटोमेटिक जैसे आपकी जियो फाई पहले चलती थी ऐसे ही ऑटोमेटिक चलने लगेगी। तो यहाँ पर आपका थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड स्टार्ट कर रहा है, यानी ये अभी डाउनलोडिंग करी नहीं है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल करेगा, और पहले डाउनलोड करेगा और फिर इंस्टॉल करेगा। यहाँ पर ये सिस्टम देख सकते हैं आप, लिनक्स सिस्टम डाउनलोड कर रहा है और उसके बाद इसमें इंस्टॉल करेगा। पहले डाउनलोड करता है और फिर इंस्टॉल करता है, यानी आपके जो जियो फाई के नेटवर्क हैं वो उसके बाद ही आ पाएंगे, या फिर आपकी जियो फाई उसके बाद ही चलेगी जब आप अपने जियो फाई के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड इस सॉफ्टवेयर पर लिखा हुआ है फर्मवेयर अपग्रेड, यानी आपका जो फर्मवेयर है वो अपग्रेड हो रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, और इसके बाद आप बहुत ही अच्छे से इसे चला पाएंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस कुछ डाउन हो गई है तो आप तब भी अगर इसको अपग्रेड कर लेंगे जियो फाई 4 को, तो आपकी जो नेटवर्क है वो भी अच्छे आने लगेंगे, और जो इसमें बग होते हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे। यानी इसका सॉफ्टवेयर आप लगभग 1 महीने में या 2 महीने में अपग्रेड करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से वर्क करती महसूस होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी ही बिल्कुल सेम जो कंडीशन होती है, यानी जो रेड ब्लू और ग्रीन लाइट के बाद ऑफ हो जाती है, ऐसी ही जियो फाई 4 में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हैं मैं भी जियो फाई 4 ही यहाँ पर अपग्रेड कर रहा हूँ, यानी इसका ही सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ जियो फाई 4 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लिनक्स सिस्टम डाउनलोड हो गया है, और लिनक्स सिस्टम डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, आपको कुछ नहीं करना है। लिनक्स बूट डाउनलोड कर रहा है, यानी अब जो है ये एक एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा, और जैसे ही पूरा कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो कर देगा और आपकी जियो फाई रिस्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस के बीच अगर आपकी जियो फाई डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपको पूरी प्रोसेस शुरू से करनी होगी। मैं एक बार और बता देता हूँ, ये जो मैंने दो एक ड्राइवर और एक टूल का जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों के दोनों मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप बहुत ही आसानी से इसको अपग्रेड कर पाएंगे, अपनी जियो फाई 4 को अपग्रेड कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मॉडम डाउनलोड हो रहा है, इसी तरह से अभी लिनक्स सिस्टम डाउनलोड हुआ था। इस तरह से जब तक ये डाउनलोडिंग पूरी नहीं हो जाती, आपको अपने सिस्टम को यानी अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को डिस्कनेक्ट नहीं करना है इंटरनेट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी प्रोसेस भी पूरी हो गई है, यानी जो भी हमारी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक पूरी होगी, इसमें बीच में कोई भी की का प्रयोग नहीं करना है। अब ये रिकवरी डाउनलोड कर रहा है, और इसी तरह से इसने अभी पीछे भी डाउनलोडिंग की है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप हमारे जो हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, और बहुत ही आसानी से अपनी जियो फाई 4 को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी जियो फाई 4 के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये रिकवरी डाउनलोड हो गई है, ये देखिए अब रिसेट रिसेट हो रही है, और ये वेट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे रिसेट हो रही है, ये देखिए
मैं आपको ऊपर को उठा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए रिसेट हो गई है, यानी हमारी जो है ग्रीन लाइट आ गई है। ग्रीन लाइट आने के बाद आपकी जो जियो 5-4 है वो ऑटोमेटिक चलने लगेगी, यानी ऑटोमेटिक बूट हो गई। और ये देखिए ये ऑन भी हो गई है, आपने देखा मैंने बहुत ही आसानी से। यहाँ पर अगर ये डाउनलोड फैलाता है तो इसे आप ओके कर सकते हैं, इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि बूटिंग हट गई है। और उसके बाद ये देखिए हमारी जियो 5-4 जो है अब अपने रनिंग मोड पर आ गई है। अब आप इसे जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा नेटवर्क है और यहाँ पर ये इसकी जो है हॉटस्पॉट आ रहा है और ऊपर की साइड दिखा रहा है कि अभी इसमें सिम नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं आपको एक बार इसे रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसे रिस्टार्ट किया, ये देखिए ये पहले मैंने इसे सिट डाउन कर दिया, सिट डाउन होने के बाद मैं इसे आपको फिर से ऑन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिट डाउन हो गई है। सिट डाउन होने के बाद अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट के बाद ये बंद हो रही थी बार बार, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये देखेंगे आप कि ये ऑन हो जाएगी, जैसे आपने कभी खरीदी थी तो ये तब ऑन थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन हो गई है, ये देखिए ये ऑन हो गई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।